हेलो दोस्तों, राम राम सभी भाइयों को। तो जी हाँ, जैसा कि मैं आप सभी का अपने इस वीडियो में दोबारा से वेलकम बैक करता हूँ, क्योंकि मैंने अपना ये काम कुछ दिनों के लिए स्टॉप कर दिया था क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थी जो आई थिंक अभी सॉल्व हो चुकी हैं। तो जैसा कि आपको मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ वो आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ये पूरा जो कहते हैं कि गाँव में जो शांति और सुकून नाम की चीज़ होती है, आपको इस वीडियो में पूरी झलक रही होगी। मतलब कि आप देख भी सकते होंगे कि मैं आपको कहाँ की लोकेशन दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कोई बंदा इधर आया हुआ है, अपनी बाइक को पार्क किया हुआ है। ऐसा नहीं कि शहरों की तरह पार्किंग के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं इधर। तो इधर की सर्विस जो है भाई, वो आपको बिल्कुल मुफ्त मिलने वाली है, और मुफ्त मिलती है। आपको दिखा सकता हूँ, आपको चारों तरफ से एरिया दिखा देता हूँ। जी हाँ, आप इस रास्ते देखेंगे भाई, बहुत ही घना रास्ता है। आगे जाने पे एक बहुत सा बड़ा जंगल मिलने वाला है। तो अभी इसको लीव करते हैं और आगे की ओर चलते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि अब ब्लॉग में मेरे एक ग्रामवासी इधर से गुजर रहा था, ये कुछ कर रहा है। हाँ तो भाई 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 भाई, क्या क्या कर रहे हो यार, कहाँ से वापस आ रहे हो? क्या ये भांग वांग का पौधा लेके जा रहे हो क्या भाई? कब से ये धंधा? कल से। अरे यार, किस चीज़ का पौधा है ये? दातून वातून है क्या? ग्रामवासियों के लिए तो मैं सुना हूँ कि बहुत ही सुबह का ये एक अच्छा पौष्टिक आहार होता है दातून, आई मीन दांत को साफ करने का जरिया। तो कुछ बताएंगे आप अपने बारे में? यस यस बिल्कुल। किस चीज़ का पौधा है ये? ये दतून का पौधा है, गांजा का पौधा है, जो जानो तो वही पौधा है।